देखिए विप क्लास, आपका जो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर ग्लोब्स एंड मैप्स वाला, वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। उसी का हमने ज्योग्राफी मैप के बारे में और ग्लोब्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्लोब्स एंड मैप में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल मैप के बारे में। ज्योग्राफिकल मैप जो होता है वो होता क्या है, कैसे मेजरमेंट होता है उस चीज का, जैसे किसी भी देश की किसी भी कंट्री के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी क्या ज्योग्राफिकल हिस्ट्री जाननी पड़ती है। ज्योग्राफिकल उसका भूगोल जो होता है वो होता कैसा है, क्या है वहाँ पे, और उसकी कंट्रीज के रिवर्स टाउन सबके बारे में हमें किसी पर चलता है पॉपुलेशन और एक्स्ट्रा किसके सबके बारे में जो हमारी कंडीशन है ज्योग्राफिकल किससे पता चलता है हमारे ज्योग्राफिकल मैप के द्वारा किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अ ज्योग्राफिकल मैप इज अ ड्रॉइंग और प्लेन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ इट शोइंग कंट्रीज टाउन्स रिवर्स पॉपुलेशन एक्सेट्रा। तो हमारा जो ज्योग्राफिकल मैप है वो ड्रॉइंग है, एक तरह की ड्रॉ है किस चीज की, प्लेन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का पार्ट है जो हमारे अर्थ का सरफेस जो होता है उसका उसकी एक ड्रॉइंग के रूप में ज्योग्राफिकल मैप को शो कहता है। और वो शो कैसे होता है, कंट्रीज टाउन्स रिवर्स पॉपुलेशन इसके थ्रू ही शो होती है हमें हमारे अर्थ की। इट इज ड्रॉन ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर, किस पे, एक पेपर के फ्लैट पीस ऑफ पेपर मतलब एक समतल एक सपाट जो पेपर होता है उसके उसके पीस पे ड्रॉ होती है। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ मैप इज टू शो थिंग्स एज दे एक्चुअली आर। तो जो हमारा मैप का प्रिपेयरिंग का पर्पस जो है हमारा वो किस चीज के लिए, थिंग्स को शो करने के लिए, एक्चुअल थिंग्स को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप शोज द नंबर ऑफ पीपल इन द इन एन एरियाज वेयर एज पॉपुलेशन डेस्टिनी मैप्स शो द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया। तो मतलब इसके जरिए ही हम वहाँ की एक्चुअल कंडीशन जान सकते हैं, पॉपुलेशन कितना है, नंबर ऑफ पीपल्स, एरियाज वहाँ की और कितने पीपल, हर चीज का क्या होता है एक स्केल होता है, एक मेजरमेंट होता है। तो वो उसके ज्योग्राफिकल मैप के जरिए ही हम शो कर पाते हैं कहीं भी कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट का। नेक्स्ट है आपका स्केल ऑफ मैप। तो स्केल ऑफ मैप का यूज क्या होता है, मैप में स्केल का यूज, मैप शो द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस मच स्मॉलर देन दे एक्चुअली आर। तो जो हमारा मैप है वो शो करता है किसका, पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस का पोर्शन सारा कौन किस पे शो होता है, मैप में। और ये सरफेस कैसा होता है, एक्चुअली स्मॉलर होता है मतलब छोटे रूप में होता है ये बहुत ज्यादा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो मैप है आपका वो कैसे एक स्मॉल रूप में एक छोटे तरीके छोटे रूप में शो किया जाता है। फॉर इट वी यूज अ स्केल, तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, स्केल का यूज करते हैं। स्केल ऑफ मैप, मैप शो द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस मच स्मॉलर देन दे एक्चुअली आर। मैप पर शो किया जाता है, मैप को शो किया जाता है अर्थ का सरफेस अर्थ का वो पोर्शन जो बहुत छोटे रूप में एक्चुअली जो उसका रूप होता है उसे छोटे रूप में मच स्मॉलर मतलब बहुत छोटे रूप में उसको शो किया जाता है। अब हमारी अर्थ तो इतनी बड़ी है, वर्ल्ड इतना बड़ा है, अब उसको हम एक्चुअल में जो उसका जो है एक्चुअल में जो है वो उसको इस तरीके से शो नहीं कर सकते क्योंकि इतने बड़े अर्थ को हम एक पेपर पे नहीं ड्रॉ कर सकते। तो उसका एक छोटा रूप क्या है, एक छोटे रूप में उसको शो किया जाता है मैप्स के थ्रू। फॉर इट इसलिए वी यूज अ स्केल, हम स्केल का यूज करते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप शो द रेशियो बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। स्केल का यूज करके हम मैप पे शो करते हैं दो पॉइंट के बीच के रेशियो को। अब किस तरीके से दो पॉइंट के बीच के रेशियो को मैप पे शो किया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के द्वारा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के द्वारा किस तरीके से किया जाता है, फॉर ड्राइंग और रीडिंग अ मैप, ड्राइंग और रीडिंग के लिए वी यूज अ स्केल, हम स्केल का यूज करते हैं विच इज यूजली एक्सप्रेस एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। और स्केल का यूज करके हम एक्सप्रेस करते हैं किसको, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को इन आर एफ। में द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस आर द सेम,
तो यूनिट्स मेजरमेंट और डिस्टेंस क्या होते हैं, सेम होते हैं आरएफ में, बोथ ऑन द ग्राउंड ऑन अ पेपर, दोनों में, ग्राउंड पर भी और पेपर पर भी। अब मैप को हम पेपर के द्वारा आपको शो करते हैं, पेपर से पेपर के जरिए मैप को मतलब पूरे अर्थ को शो किया जाता है पेपर पे ड्राइंग करके, और ग्राउंड पे उसका पोर्शन जो है वो मतलब एक उसका जो आकार है वो क्या स्ट्रक्चर क्या होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसको एक छोटे रूप में आपको पेपर पे मैप द्वारा शो किया जाता है। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस एज द रेशो, तो यहाँ पर क्या है, हमेशा एक्सप्रेस करता है रेशो, इसको एक्सप्रेस कौन करता है, रेशो को एक्सप्रेस करता है। अब आगे आपका ये दिया गया है किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया एग्जाम्पल में, 1:1,00,000 इज अ आरी वेयर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर। तो किस हिसाब से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1,00,000 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल हुए। अकॉर्डिंग टू दिस आरएफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप रिप्रेजेंट्स, तो क्या यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है अगर हम मैप पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर बिटवीन दैम ऑन अ ग्राउंड, अगर हम ग्राउंड पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना हो जाएगा उसका डिस्टेंस, 1 किलोमीटर हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, वो आप अच्छे बेटर गेन करेंगे तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा, मैं बताती हूँ आपको। देखिए क्लास, आपका ये जो आरएफ है मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि किस तरीके से देखा जाता है इसको हमारे मैप में। देखिए हमारा जो एक्चुअल में हमारा जो आरएफ होता है वो क्या होता है, आरएफ इज द रेशियो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन द मैप टू डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये हमारी आरएफ की डेफिनेशन है, आरएफ इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप टू द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो रेशियो होता है किसका, डिस्टेंस होता है मैप से लेकर के ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेशियो दोनों बीच के डिस्टेंस को जो रेशियो निकालते हैं उसका आरएफ के जरिए हम उसका रेशियो निकाला जाता है। अब किस तरीके से रेशियो निकाला जाता है पहले ही आप देखिए एग्जांपल, हमारा आरएफ मान लीजिए हमारा आरएफ है 1:15,000, ठीक, तो हम इसको लिखेंगे 1 सेंटीमीटर रेशियो 15 सेंटीमीटर, ये हमारा रेशियो है। तो अगर हम इसको हमारा ये जो 1 सेंटीमीटर है अगर हम 5000 को अगर हम 100 से कर देते हैं, अगर क्योंकि हमें इसको मीटर में चेंज करना है, हम इसको 5000 को अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से ही तो करेंगे, 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो देखिए आप क्या निकला आपका 500 मीटर, ये आपका रेशियो निकला। अगर हम इस 500 को किलोमीटर में हमें चेंज करना है 500 को, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए किससे करेंगे 1000 से, तो अगर हम करते हैं तो हमारा आता है आंसर 0.5 किलोमीटर, ये हमारा रेशियो निकलता है। तो टोटल हमारा रेशियो क्या निकलता है 1 सेंटीमीटर रेशियो बाय 0.5 सेंटीमीटर, ये हमारा रेशियो। अगर हम दोनों तरफ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको भी और 0.5 को भी, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रेशियो इसका आता है 2 सेंटीमीटर और इसका रेशियो आता है 1 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए कि हमारा जो एक्चुअल रेशियो 1 किलोमीटर, तो हमारा जो एक्चुअल रेशियो है मैप का जो ग्राउंड पे है वो कितना है, 1 किलोमीटर का रेशियो है हमारा, और अगर हम उसे मैप पे शो करना है तो हम 1 किलोमीटर को कितने में शो करेंगे, 2 सेंटीमीटर के दायरे में हम उसको शो कर देंगे मैप पे। तो मतलब ये देखिए आप इतना बड़ा डिस्टेंस जो है एक बड़े एरिया को मिनिमाइज करके शो करना होता है हमें मैप के जरिए, और वो कौन शो करता है रेशो को कम करके, हमारा जो आरएफ है ये शो करता है।
एक छोटे से एक बड़े से डिस्टेंस को मिनिमाइज करके छोटे रूप में हमारा आरएफ क्या करता है, रेशियो निकाल करके टू पॉइंट्स के बीच का, और उसको शो किया जाता है मैप के थ्रू। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आरएफ के जरिए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखा जाता है। ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस है और ये है आपका रेशियो से जो आरएफ के जरिए निकला है वो डिस्टेंस। ये हम मैप पे शो करते हैं और ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है। तो अगर हम एक किलोमीटर अगर हम मैप पे शो करेंगे तो इतना बड़ा तो हमारे पास पेज भी नहीं होता कि एक किलोमीटर का मैप उस पे हम बना सकें। तो हम उसको शॉर्ट करके छोटा करके उसको मिनिमाइज करके शो करते हैं। तो इसको छोटा करके हमने 2 सेंटीमीटर का हमारा रेशो निकला, तो हमने 2 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, मैप पे शो कर दिया। इस तरीके से हमारा आरएफ निकाला जाता है और इस आरएफ के जरिए ही हम किसी भी बड़े एरिया को मिनिमाइज करके मैप में शो करते हैं। अब आपका नेक्स्ट है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। अर्थ पर प्लेस को मतलब स्थान को कैसे हम देखते हैं। एन इमेजिनरी ग्रिड इज यूज्ड टू पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेसेस ऑन द अर्थ। कोई भी इमेजिनरी ग्रिड के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्लेस को देख सकते हैं, अर्थ पे किसी भी प्लेस को देख सकते हैं, लोकेशन उसका देख सकते हैं। दिस ग्रिड इज मेड अप ऑफ इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो किस तरीके से एक इमेजिनरी लाइंस को, इमेजिनरी लाइंस जो होती है इमेजिन करके हम कोई भी लाइन अपने मैप पे खींचते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का अनुमान लगाते हैं। और किस तरीके से ये भी मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा लैटिट्यूड होता है, लैटिट्यूड मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर इज डिग्रीज नॉर्थ और साउथ। और लॉन्गिट्यूड मेजर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ प्राइम मेरिडियन इन डिग्रीज ईस्ट और वेस्ट। किस तरीके से होता है ये अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है और कैसे डिस्टेंस इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन का इसमें होता है। तो आप ये देखिए मैप देख रहे हैं, आप ये मैप बना है, इसके ऊपर मैंने सर्कल एक ड्रॉ किया हुआ है और सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये आप लाइन देख रहे हैं, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो आपकी ये वाली लाइन जो है इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस लाइन को, हम इक्वेटर बोलते हैं। इस लाइन को हम इक्वेटर बोलते हैं और इक्वेटर के जरिए हम इसको दूसरे तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड। और जो ये वाली लाइन है हमारी, ये लाइन होती है हमारी प्राइम मेरिडियन, या फिर बोले तो लॉन्गिट्यूड। तो हमारा ये जो होती है, ये इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन, ये दोनों ही लाइन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शो करती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ईस्ट और वेस्ट, इसका नॉर्थ ईस्ट साउथ, हमारा जो पोल्स होते हैं, हमारे 4 डायरेक्शन जो होते हैं, जैसे इक्वेटर है हमारा, जो हमारा इक्वेटर है वो किसको शो करता है, हमारे नॉर्थ एंड साउथ को, 0 डिग्री नॉर्थ साउथ होता है ये। और हमारा ये प्राइम मेरिडियन होता है 0 डिग्री ईस्ट वेस्ट, इस हिसाब से होता है ये। तो ये जो हमारा 0, क्योंकि ये 0 डिग्री से ही शो करते हैं हम, इसको भी और इसको भी, दोनों तरीके से 0 डिग्री से शो करते हैं। नॉर्थ और साउथ कैसे, जैसे कि हमारा जो हिस्सा है ये ऊपर वाला, ये आपका क्या हो गया नॉर्थ, क्योंकि हमने ये वाली लाइन को हम देख रहे हैं। अभी ये वाली लाइन को आप छोड़ दीजिए, आप इस वाली लाइन को देखिए, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा हो गया और साउथ नीचे वाला हिस्सा हो गया, यानी कि नॉर्थ ये वाला हिस्सा और साउथ ये वाला हिस्सा, इस तरीके से दो डिवाइड हो गए। अब आप ये वाली लाइन को देखेंगे तो ईस्ट और वेस्ट कौन सा, तो ईस्ट जो है आपका ये हिस्सा और वेस्ट ये वाला, तो इस तरीके से डिवाइडिंग होती है ये। अब यहाँ पे कैसे प्राइम मेरिडियन जो होती है वो कैसे जाती है, ईस्ट वेस्ट, ये ऐसे लाइंस जाती है आपकी, इमेजिनरी लाइंस होती है ये,
कैसी लाइंस, जब से मैंने आपको बताई इमेजिनरी ग्रिड जो बोला मैंने आपको, ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है। ये जो लाइंस है आपकी, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल्स होती हैं, समानांतर होती हैं एक दूसरे के। ऐसी ईस्ट टू वेस्ट जैसे जा रही है, ऐसी नॉर्थ टू साउथ जाती है। ये नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रही है, ये इस तरीके से। इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। ये सर्कल है आपकी, ये आपकी जो जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ये आपकी जा रही है नॉर्थ टू साउथ, और ये आपकी जा रही है ईस्ट टू वेस्ट। इस तरीके से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इस तरीके से होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी इक्वेटर है वो कितनी नॉर्थ टू साउथ होती है, और आपकी प्राइम मेरिडियन जो होती है वो ईस्ट और वेस्ट होती है डायरेक्शन इसका। अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो कैसे समझेंगे आप, जैसे कि आपका ये जो लाइंस है, अगर मैं आपको दे दूं उस पे नंबर्स डाल दूं, जैसे हम मैंने आपको डाल दिया ये लाइंस है, इस लाइन पे मैंने डाला 1, 2, ये 3, 4, 5, 6 ये नंबर डाल दिए मैंने, और ये वाली लाइंस पे भी मैंने ऐसे नंबर डाल दिए, ये लाइंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स डाल दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये नंबर्स जो मैंने डाले, जैसे कि देखो आप, मैंने किसी और तरीके से समझाती हूँ, ये आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि एक ये सर्कल है, ये मैंने नंबर डाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये आपका हो गया 6। तो 6 यहाँ पे हो गई और 6 यहाँ पे हो गई, मतलब 6 लैटिट्यूड और 6 लॉन्गिट्यूड हो गए आपके। अब आपको यहाँ पे देखना है, जिसकी आपको सपोज मान लो कि यहाँ पे इंडिया का मैप बना हुआ है, इस तरीके से ये इंडिया का मैप बना हुआ है, और आपको क्या करना है, एक स्टेट का पता लगाना है कि कौन सी स्टेट की, स्टेट का डिस्टेंस कहाँ है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कैसे पता लगाएंगे। जैसे कि आपका, जैसे यहाँ पे आप इंडिया के मैप में आप देखो, ये इंडिया का मैप जो है आपका, जैसे आपको कोई भी स्टेट का पता लगाना है, सपोज आपको राजस्थान का पता लगाना है कि राजस्थान है कहाँ पर, इसका डिस्टेंस, तो आप कैसे मेजरमेंट करोगे, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, लैटिट्यूड प्राइम मेरिडियन की ये लाइंस देखोगे कितने पे आ रही है, राजस्थान हमारा कहाँ है, जैसे कि आपकी लैटिट्यूड 1। सबसे पहले आपको डायरेक्शन का पता लगाना है कि कौन से डायरेक्शन में आपका राजस्थान आता है, तो किसका एक कौन से डायरेक्शन में आता है आपका, वेस्ट में आता है, वेस्ट में आपका राजस्थान आता है, तो आपका जो वेस्ट है, आपका जो वेस्ट है, वेस्ट पोर्शन में आपका ये यहाँ इधर साइड, ये आपका 1 लॉन्गिट्यूड में आता है, और आपका जो यहाँ से देखेंगे आप लैटिट्यूड जो जा रहा है आपका कौन से नंबर पे जा रहा है, 1 को जो 1 एंड 2 जो इसको काट रही है लाइन, कौन सी 5 नंबर की लाइन जो है, 4 एंड 5 नंबर की, 5 नंबर की लाइन जो है ये इसको काट रही है, ये 1 एंड 5 ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका, ये आपका क्या हो गया, राजस्थान बन गया, ये आपका स्टेट सिलेक्ट हो गया, एक राजस्थान हो गया ये। तो इस तरीके से हम कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट का पता लगा सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, बस हमें क्या है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में हमारी कौन सी कंट्री एंड स्टेट आते हैं, तो उस हिसाब से हम इस चीज का पता लगा लेते हैं कि कैसे होता है ये।
तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में क्या फर्क है एंड उसको कैसे देखते हैं और किस तरीके से ये हम मैप में शो करते हैं। ऐसी ही सेम आपका इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ नीचे आपकी स्केल्स बनी हुई होती हैं और उनपे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। नीचे ऊपर आपके राइट एंड लेफ्ट दोनों चारों साइड पे आपके क्या होते हैं, नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो उस नंबर से ही हम उस स्केल से ही हम पता लगाते हैं कि कितने डिग्री से है ये, कितने डिग्री पर है ये स्टेट, उसी स्टेट से पता लगाते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको डीपली पढ़ेंगे। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेरी होगी तो आप व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा मुझसे। थैंक यू। देखिए क्लास, ये आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप में देख आप ये देख रहे हैं, ये लाइंस खींची हुई है। ये लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस होती है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसी ऐसी सेम और भी लाइंस होती है, जैसे मैंने आपकी इक्वेटर बताई, वो भी जीरो डिग्री से स्टार्ट होती है, जो मैंने मैप में अभी आपको बताई थी। वैसे ही सेम ये इमेजिनरी ग्रिड्स होती हैं जो यहाँ मैप में बनी भी होती हैं। और ऐसी सेम ये स्केल्स देख रहे हैं आप, नंबर लिखे हुए हैं, ये देखिए ध्यान से, ये सबके अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। ये सारे चारों तरफ स्केल्स बने हुए हैं। इन स्केल्स के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपने